नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न। दोस्तों, जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, सब कुछ याद करते हैं पर भूल जाते हैं समय पर, हमारी दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, काउंटर में पैसे बहुत कम आते हैं, आए हुए पैसे काउंटर से निकल जाते हैं, केस बराबर मिलता नहीं है, आप ऑनलाइन काम करते हैं, जो भी आपकी टेबल है, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर भी, मतलब आपकी सिटिंग प्लेस है, जो भी जहाँ आप बैठ करके काम करते हैं, वहाँ आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इसको करने से आपका, आपके काम में मन लगेगा, नौकरी है, प्रोग्रेस होगा, धंधा है, बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई है, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति की किस्मत को ये चमकाने वाला उपाय। अच्छा लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है, और किसी नंबर को डायल करते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। तो आपको करना क्या है, फिर से बता दूं, जिस चीज़ से आप जुड़े हैं, पढ़ाई है तो आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, नौकरी है, बढ़ोतरी होगी, व्यापार है तो बढ़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है जिसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ आपके पड़ोसी का बच्चा भी पढ़ाई करता है, आपकी फैमिली में दूसरे लोग हैं वो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, लोगों को जलन और ईर्ष्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो आपके दिमाग को ब्लॉक करती है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने देती, आप बार बार भूल जाते हैं, ऐसा होता है। नौकरी में भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी, कभी किसी की हाय नज़र, बद्दुआ, ये आपके कामकाज को पीछे धकेलती है। कितनी बार ग्रह दोष बाधा भी ऐसी होती है जो आपके काम को पीछे धकेलती है, आपके मन को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देती है। ये उपाय आप सैटरडे के दिन करें, शनिवार के दिन करें, स्नान आदि कर लें, कांच का एक ग्लास ले लें, उसमें शुद्ध पानी भरें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और एक नींबू ले लें। नींबू को अपने राइट हैंड में रखें, ओम हन हनुमते नमः 14 बार इस शब्द को बोले, इस मंत्र को बोले और उस नींबू को पानी में डाल दें और वो ग्लास आप अपनी टेबल पर रख दें। टेबल है तो भी, आपकी दुकान है जहाँ आपका काउंटर है वहाँ रख दें, पार्लर है आपका, ब्यूटी पार्लर है उसके काउंटर पर आप रख दें, जहाँ पर भी, मतलब आप बैठते हैं, जो भी आपका सिटिंग प्लेस है मेन, वहाँ आपको इसको रखना है। ऑफिस है जहाँ आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगता है वहाँ भी रख सकते, रखते इसको शनिवार के दिन रखें और शनिवार तक रखें। इस शनिवार को रखा है, अगले शनिवार तक रखें, दूसरे शनिवार को उसको उठाएं और चौराहे पर जाकर फेंक दें, ग्लास धोकर साफ कर लें, फिर से इसी क्रिया को करें और टेबल पर। आप देखते होंगे दुकान में, ऑफिसों में, बड़े बड़े शोरूम के बाहर नींबू मिर्ची लगी होती है, ये तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचती रहती है, वो नींबू मिर्ची है, ये पानी और नींबू का उपाय है। पानी बिल्कुल लाइव चीज है, नींबू इसके अंदर पड़ा रहता है, सभी की नजर हाय बद्दुआ को अपने अंदर खींचता रहता है और आपके धंधे रोजगार में नजर हाय बद्दुआ कोई काम नहीं करती और आपका प्रोग्रेस होता रहता है,
14 बार बोलना है, ओम हनुमते नमः। नींबू को राइट हैंड में लेकर शनिवार कांच के बाउल में ग्लास में पानी लेना है, गंगा जल वाला पानी। 14 बार मंत्र बोलकर उसको डाल देना है। शनिवार से शनिवार तक रखना है। शनिवार जब आता है उसको उठाकर चौराहे में डाल देना है, दूसरा ग्लास भरकर रख देना है। तमाम प्रकार की नजर हाय बद्दुआ दूर होगी, व्यापार बढ़ेगा, घर में पैसे आएंगे। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। किसी भी उपाय को दोस्तों पहले अच्छे से समझें, उसके बाद उसको करें। कितने लोगों का मैंने देखा है कि उपाय कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, उपाय ही गलत तरीके से कर रहे हैं। जो उपाय मैंने एक बार बता दिया आप इस काम को करें, 2 दिन में रिजल्ट आएगा, मतलब 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया है। बैठ जाए, सोचें गलती कहाँ हुई है, कहाँ गलती हुई है, कहीं ना कहीं उपाय को करने में गलती कर दी, दैट इज वाई रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट को आना है तो आपको उपाय इस तरीके से करने हैं जो मैं बता रही हूँ। आपने देखा होगा कुदरत प्रकृति भगवान आपके सामने ऐसे आके बोलता नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। किसी न किसी तरीके से, मीडिया से, किसी इंसान के मुंह से, किसी न किसी तरीके से आप तक सॉल्यूशन पहुंचाता है भगवान। उसको फॉलो करना नहीं करना आपके हाथ में है। कोई भी काम करे करे भरोसे से, विश्वास से करे, करके देख ले। जय श्री कृष्ण।